Good morning students, welcome to our social science class. So today we will start our sixth chapter, that is human resources. Do you know the way we collect the information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. Let us discuss about it. What is census? Why is it carried out? Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. It is done every 10 years under the regulation of the central government. तो census क्या होती है, जो पूरे एक एरिया में या पूरे देश में वहाँ की जनसंख्या कितनी होती है वो काउंट करते हैं. वो कब करते हैं, हर 10 साल में एक बार ये काउंटिंग होती है, तो इसको क्या कहते हैं, सेंसस. तो सेंसस कब होती है, हर 10 साल में एक बार सेंसस करते हैं, मतलब जनगणती करते हैं. द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen. It was a special feature of the census of 2011. It is our duty to provide correct information to the government. तो जनगणना और जनगणती कब हुआ था, सेंसस, तो हमारे देश में 2011 में हुआ था. तो ये 7th टाइम था, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद ये 7th टाइम जनगणना हुई थी. इन द सेंसस 2011 देर वॉज अ प्रोविजन प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन. तो ये 2011 में जब जनगणती हुआ था, तो तब उन्होंने एक आईडी नंबर दिया था, और वे हर एक सिटीजन के लिए. इट वॉज अ स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसिस ऑफ 2011. तो ये स्पेशल फीचर है. इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए. Human resource is the human capital of our country. The development of nation depends on its human capital. It is the wealth of a nation. Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resources that contribute a lot to the economic development. The health, education, professional skills and ambitions increase the productivity of the nation, and as a result the country develops. जो human resources है वो क्या होता है, एक देश के लिए वो human capital होता है. जो हर एक देश की जो development होती है उसकी किसके ऊपर depend होती है, वहाँ के human capital पर. हमने पढ़ा था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वेल्थ है, उसके वजह से देश का डेवलपमेंट होता है. लेकिन उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसका क्वांटिटी और क्वालिटी भी उसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस के वजह से वो देश आगे बढ़ सकता है. दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स. सेंसस इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्रीज 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान इन रिगार्ड टू फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन. नाउनडेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडरगार्डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड. जो सेंसस हो वो मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्री 5 ईयर्स. तो हर 5 साल में क्या होता है, वो प्लान्स बनते हैं. पंचवार्षिक योजना बोलते हैं ना, तो इस तरह हर 5 साल में एक बार ये डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनते हैं. तो उसके कौन से डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉयमेंट,
एजुकेशन और कॉन्जर्वेशन, इन सारी चीज़ों के लिए हर एक 5 साल में वो योजनाएं बनाती है गवर्नमेंट। तो उसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी अपना रिकॉर्ड रखता है कि एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स है और प्लांट्स से, इन सारी चीज़ों की वहाँ रिकॉर्ड रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा आजकल डोमेस्टिक एनिमल्स का भी काउंटिंग होती है। एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। इंडिया स्टैंड 2nd इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। तो हमारा देश का एरिया कितना है और वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हमारी एरिया कितना है, 2.42%। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एरिया में हमारा देश है 7th नंबर पर, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है और एक पॉपुलेशन के हिसाब में इंडिया 2nd नंबर पे है। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्सेज। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। स्किल्ड सिटीजन्स लाइक डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिशियंस, लेबरर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए, उनकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, मतलब जो एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड पीपल होते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, ये सारे मिल के क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। वजह से जो भी है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और देश का अभिवृद्धि होता है, मतलब देश का डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय 18.1 crores इन अ डिकेड बिटवीन 2001 टू 2011। हाउएवर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ गॉन डाउन विच इज़ अ नोटवर्दी पॉइंट। मोरोवर देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एजुकेटेड सिटीजन्स। जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितना बड़ा है, 18.1 crores बढ़ गया है, मतलब एज कम्पेयर बिटवीन 2001 से 2011 तक। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 वॉज 102.87 crores, विच हैज़ इंक्रीज टू 121.01 crores इन द ईयर 2011। दिस इज़ अ मैटर टू वरी अबाउट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैंस वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ गॉन डाउन बाय 1.7%। जो इंडिया का पॉपुलेशन था 2001 में कितना था, 102.87 करोड़ थी। तो अभी 2011 में जब जनगणति हुई तो तब कितना हुआ था, 121। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है और इस हिसाब से थोड़ा पॉपुलेशन भी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसका ग्रोथ का डाउन हो गया 1.7% से। रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ नेचुरल फिनोमिनन, बट देर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पज। तो फर्स्ट रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो कुछ लोग होते हैं, जो
जो अदर कंट्रीज़ के लोग होते हैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री डालने के लिए, बिजनेस करने के लिए और एजुकेशन के लिए यहाँ के यहाँ आ जाते हैं और उनका यहीं पे सेटलमेंट हो जाता है। सेकेंड इज़ द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट टू डिकेड्स। दूसरा क्या कारण है, तो जो डेथ रेट पहले के ज़माने में क्या था, वो ज़्यादा था, आजकल वो कम हो गया है डेथ रेट। अर्लियर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लो एज द इन्फेंट एंड फीमेल मॉर्टेलिटी रेट वॉज हाई। द नंबर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वेर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर्स इजिली इन टाइम्स ऑफ नीड। देर वॉज नो कंट्रोल ओवर द डिसीजेस लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, प्लेग एक्सेट्रा। इवन द फैमाइन्स वेर मोर फ्रिक्वेंट, सकम्बलिंग मैनी लाइव्स। मेडिकल फैसिलिटीज वेर नॉट एज डेवलप्ड एंड असेसेबल एज नाउ। तो डेथ रेट आजकल कम है लेकिन पहले ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, तब तो सारे रोड फैसिलिटीज़ नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थे। उसके वजह से क्या होता था, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा डेथ होता था। और उसके अलावा जो बहुत सारी बीमारी थी, कॉलरा, टाइफॉइड, प्लेग, इसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो तब कोई मेडिसिन या दवाई नहीं था, तो इसके वजह से तब क्या होता था, डेथ रेट ज़्यादा होता था, मतलब बहुत सारे लोग मर जाते थे। द स्कैनरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टूडे। न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ इजिली अवेलेबल टू पीपल। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर अंडर कंट्रोल ड्यू टू द एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। तो आजकल ये डेथ रेट क्यों कम है, तो आजकल सबको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है इजीली और कम्युनिकेबल डिसीजेस अंडर कंट्रोल है, मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे वैक्सीन्स आ गए, ट्रीटमेंट आ गए। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल। तो आजकल इमीडिएट मतलब कुछ भी हुआ तो हम एम्बुलेंस मंगा सकते हैं, फ़ोन करके डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, तो तुरंत ही वो इलाज कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड पीपल हु गेट अफेक्टेड आर इनहैबिटेटेड फास्टर। दस द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन। दिस हैज़ लेड टू अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस हैज़ इंक्रीज्ड। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस इन 1920 वॉज 40 to 41 ईयर्स, विच हैज़ नाउ इंक्रीज टू 63 to 64 ईयर्स। तो डेथ रेट इसके वजह से कम हो गए, मतलब सारे हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो उसके अलावा और एक रीज़न है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए, क्योंकि 1920 में जो ह्यूमन का एवरेज था तो वो 40 या 41 ईयर्स तक, तो अभी वो बढ़ के कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 63 और 64 तक। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।